हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आज बना रही हूँ सोया कीमा। यहाँ पर गर्म पानी के अंदर सोया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल के इसे पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि जो इसकी कच्ची महक है वो निकल जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे 2 से 3 पानी से मैं वॉश कर लूँगी और इसको पीस लेंगे, मतलब इसका कीमा बना देंगे। अगर आपके पास सोया कीमा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे पड़े हुए थे तो मैंने इसी को कीमा बना दिया। यहाँ देख सकते हैं कि ये हो गया है। तो यहाँ पर घी और ऑयल मिक्स कर लेंगे, कुछ खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा है, एक तेज पत्ता है, काली मिर्च है साबुत वाली 4 से 5, और 2 छोटी हरी वाली इलायची हैं। आपके पास बड़ी वाली इलायची हो तो वो भी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा ऐड करके इसे पका लेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसके अंदर काट कर डाल दिए हैं, बारीक चॉप करके। तो मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए प्याज और टमाटर की क्वांटिटी मैंने 2-2 रखी है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर मैंने डाल दी है। 2 से 3 लहसुन अदरक का पेस्ट है इसके अंदर, वो भी मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन होने तक हम लोग भून लेंगे अच्छे से, ताकि इसकी जो कच्ची खुशबू है, महक है, वो निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो 2 टमाटर मैंने पेस्ट बनाकर रखा था, वो टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुछ मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग पाव भाजी मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने घर के बेसिक मसाले ही इसके अंदर ऐड किए हैं और इससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें वो मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कीमा था वो भी डाल देंगे सोया का, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा था, दिक्कत हो रही थी मिक्स करने के लिए, तो यहाँ पर मैं बर्तन चेंज कर दूंगी और बड़े बर्तन के अंदर से डाल के अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर, ताकि सारे मसाले सोया के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस वक्त इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं मिक्स कर रही थी। 1/2 कप मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर मैं पकने दूंगी। तो इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके थे तो इसे चेक कर लिया मैंने। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो कुछ दिन पहले मेरी ना वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आप वेज कीमा की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना सोया कीमा बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली है, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना इसके अंदर बटर डाल दिया है, एक हरी मिर्च है। इसे ढक के मैं 1 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सोया कीमा तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं, चपाती, पराठा, किसी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना। बाय।